दोस्तों आईपीएल साल 2020 के सीजन को लेकर अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जहां पर अब केवल 8 दिन का समय बचा है, जो कि 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच यूएई के मैदान में खेला जाने वाला है। और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली भी अब यूएई पहुंच चुके हैं, जहां वो अपनी निगरानी के अंदर सभी तैयारियों को ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा बायो सिक्योरिटी के ऊपर भी उनका काफ़ी ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि अब आईपीएल बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। वहीं आपको बता दें दोस्तों, रोज़ाना सभी 8 आईपीएल फ्रेंचाइजी की तरफ से या फिर बड़े बड़े प्लेयर्स की तरफ से रोज़ाना बड़ी बड़ी न्यूज़ और बड़े बड़े अपडेट सामने निकल के आ रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिन भर की टॉप बड़ी बड़ी खबरों के बारे में। क्या है ये बड़ी खबरें, किन टीमों की तरफ से निकल के आ रही है, किस टीम को कितना बेनिफिट और कितना नुकसान पहुंचाने वाली है, आज की वीडियो में हम इन्हीं से रिलेटेड सारी बात करने वाले हैं। तो वीडियो हमेशा की तरह काफी मजेदार और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, पर दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके वीडियो लाइक करने से हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आईपीएल और क्रिकेट के लेटेस्ट न्यूज और अपडेट पर वीडियोज बनाने के लिए। साथ ही साथ आईपीएल और क्रिकेट के लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें। दोस्तों आईपीएल साल 2020 का सीजन शुरू होने में अब काफी कम समय बचा है, और इसी को लेकर लगातार बड़े बड़े अपडेट्स, बड़ी बड़ी न्यूज निकल के आ रही है, जहां सभी 8 टीमों की तैयारियां फाइनल स्टेज के ऊपर है। वहीं बीसीसीआई और सभी टीमों की तरफ से रोजाना बड़ी बड़ी अपडेट्स और बड़ी बड़ी न्यूज निकलती रहती है। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर पहली बड़ी न्यूज की, तो सामने निकल के आती है सीपीएल के रिजल्ट को लेकर, जहां दोस्तों त्रिबैगो नाइट राइडर्स जीत चुका है सीपीएल का खिताब, और दोस्तों ये चौथी बार अपना खिताब जीता है। जहां बात करें तो इनकी शुरुआत काफी ज्यादा खराब हुई थी, ये चेस कर रहे थे और 2 विकेट उन्होंने बहुत जल्दी गवा दिए। 155 का इनको टारगेट मिला था, जहां दोस्तों बाद में डेरेन ब्रावो और लैंडन सिमंस ने पारी संभाली और मैच जिताया। आप नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या दोस्तों टीकेआर के जीतने से आपको खुशी हुई है या फिर नहीं। साथ ही साथ क्या केकेआर भी जीत पाएगा इस सीजन। दूसरी बड़ी खबर निकल के आती है यहां पे शाहरुख खान के स्पेशल मैसेज को लेकर। दरअसल दोस्तों शाहरुख खान काफी समय से दोस्तों केकेआर के टच में नहीं थे, पर अब उन्होंने फाइनली कल ट्विटर के ऊपर ग्रीट किया है, यानी दोस्तों शुभकामनाएं दी है केकेआर की टीम के लिए और ऑल द बेस्ट कहा है दोस्तों, उनको विशिंग दी है आईपीएल 2020 के सीजन के लिए। दोस्तों तीसरी बड़ी न्यूज यहां निकल के आती है राजस्थान रॉयल की नई जर्सी को लेकर, जहां पिछले दिनों राजस्थान रॉयल्स की टीम ने अपनी नई जर्सी लॉन्च की थी, जिसका शूट अवेलेबल है दोस्तों इंस्टाग्राम और ट्विटर के पेज पर। एरोप्लेन के अंदर से इसकी शूटिंग की गई थी, साथ ही साथ दोस्तों काफी पसंद की जा रही है इनकी जर्सी। आप नीचे जरूर कमेंट करें कि क्या आपको 2019 की जर्सी ज्यादा पसंद थी या 2020 की जर्सी ज्यादा पसंद है। इसके अलावा चौथी बड़ी न्यूज यहां निकल के आती है शेन वॉटसन की तरफ से, जहां दोस्तों उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सुरेश रैना की गैर मौजूदगी के अंदर मुरली विजय को काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है प्लेइंग 11 में जगह बनाने की और अच्छा परफॉर्म करने की, जहां उन्होंने बताया है कि हरभजन सिंह भी बाहर हैं। वहीं दोस्तों यूएई की पिचेस के अंदर हरभजन सिंह काफी ज्यादा मिस किए जाने वाले हैं, पर पीयूष चावला किसी हद तक उनकी कमी भर देंगे और एमएस धोनी का पूरा भरोसा है पीयूष चावला के ऊपर। वहीं सुरेश रैना के जाने से मुरली विजय को काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पांचवी बड़ी खबर यहां निकल के आती है केकेआर के कोच को लेकर। दरअसल दोस्तों अब सीपीएल खत्म हो चुका है और कोलकाता नाइट राइडर्स के कोच जो कि ब्रेंडन मैकुलम है, वो टीकेआर के भी कोच है, वो टीकेआर के साथ बने हुए थे, पर अब दोस्तों सीपीएल का सीजन खत्म हो गया है, तो ब्रेंडन मैकुलम अपने सभी केकेआर के प्लेयर्स जो कि सीपीएल में खेल रहे थे उनके साथ 12 या फिर 13 सितंबर को फ्लाइट में बैठकर लैंड करेंगे यूएई, और दोस्तों 6 दिन का क्वारंटाइन पीरियड काटेंगे और इसके बाद दोस्तों वो अपनी रिस्पेक्टिव टीम को ज्वाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स ये टॉप 5 बड़ी खबरें थी। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।